वेलकम टू अल खालिक एकेडमी ई लर्निंग प्रोग्राम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सब्जेक्ट कंप्यूटर, क्लास 3, यूनिट नंबर 1, नो योर कंप्यूटर। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली एंड डू द राइटिंग। ये आपका पहला चैप्टर है नो योर कंप्यूटर। ये नीचे दिया गया पैराग्राफ है, एक्सप्लेनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको ध्यान से अभी सुनिएगा, पढ़िएगा और अपनी कॉपी में इसको राइट कीजिएगा। एक्सप्लेनेशन। इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट कंप्यूटर। इस चैप्टर में हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर की डेफिनेशन है, अ कंप्यूटर इज अ मशीन दैट मेक्स आवर वर्क ईजियर। कंप्यूटर एक मशीन है जो हमारा काम आसान करती है। वर्ड्स, नंबर्स, पिक्चर्स एंड फिल्म्स दैट आर स्टोर्ड इन द कंप्यूटर आर कॉल्ड इट्स डेटा। कंप्यूटर के अंदर हम जो भी चीज़, नंबर्स, वर्ड्स, पिक्चर्स, मूवीज, ये फिल्म्स वगैरह स्टोर करते हैं, वो कंप्यूटर में डेटा कहलाता है। वी कैन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क ऑन कंप्यूटर लाइक कैलकुलेशन, राइटिंग, रीडिंग बुक्स, ड्रॉ पिक्चर्स, प्ले गेम्स। कंप्यूटर के अंदर हम मुख्तलिफ किस्म के काम कर सकते हैं। हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, हम नोट पैड पे, वर्ड पैड पे, एमएस ऑफिस में राइटिंग कर सकते हैं, हम इसमें डिफरेंट बुक्स की रीडिंग कर सकते हैं, पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं एमएस पेंट पे, और दीगर हमारे पास सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं, हम इसमें गेम भी खेल सकते हैं। कंप्यूटर आर बींग यूज ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन आवर डेली लाइफ। कंप्यूटर हमारी जिंदगी में तकरीबन हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। कंप्यूटर आर यूज बिकॉज दे वर्क फास्ट। कंप्यूटर इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ये काम तेज करते हैं एंड सेव टाइम, और हमारा वक्त बचाते हैं। अ कंप्यूटर कैन डू मैनी थिंग्स एट द सेम टाइम। और कंप्यूटर कई काम एक वक्त में कर सकता है। बेसिकली हमारे पास जो इस वक्त मोबाइल मौजूद है वो भी कंप्यूटर की ही एक फॉर्म है। उसके अंदर भी हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, राइटिंग भी कर सकते हैं, उसके अंदर हम मूवीज भी देख सकते हैं, वीडियोस भी देख सकते हैं, और हम तस्वीर भी खींच सकते हैं। वो कंप्यूटर के और अपग्रेडेड फॉर्म है, और उसमें हम गेम भी खेल सकते हैं, पिक्चर ड्रॉज भी कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके से हम जो काम हम कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे कर सकते हैं, तकरीबन वही तमाम काम हम मोबाइल में भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने अगर मोबाइल यूज़ करें तो उसका पॉजिटिव यूज़ करें। उसमें आप यूट्यूब पे अपने अल खालिक एकेडमी के चैनल सर्च करें, उस पर आप अपनी स्टडी करें, या दीगर यूट्यूब पे मौजूद चैनल्स सब्सक्राइब करें। बहुत सारी अच्छी इस्लामी चैनल्स भी हैं और बहुत सारे साइंस के चैनल्स हैं जिससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। मोबाइल सिर्फ गेम खेलने के लिए इस्तेमाल ना करें या पिक्चर्स खींचने के लिए इस्तेमाल ना करें, बल्कि मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर और लैपटॉप अपनी स्टडी को इन्हेंस करने के लिए, अपनी स्टडी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले हम कुछ वर्ड्स हैं जिनके हमने मीनिंग्स लिखी हैं। सबसे पहला वर्ड है सॉर्ट, यानी कि तरतीब देना, ड्रैग खींचना, एक्सेस रसाई, किसी चीज तक रसाई हासिल होना, सीक्वेंस तसलसल, शटडाउन बंद करना, टाइम वक्त, और सेफ महफूज करना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज कंप्यूटर? आंसर, अ कंप्यूटर इज अ मशीन दैट मेक्स आवर वर्क ईजियर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मशीन एंड हु मेड इट? अ मशीन हेल्प अस टू डू वर्क। मशीन्स आर मेड बाय पीपल, सम मशीन्स आर बिग एंड सम आर स्मॉल। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कैन वी डू ऑन अ कंप्यूटर? वी कैन डू कैलकुलेशन, राइटिंग, रीडिंग बुक्स, ड्रॉ पिक्चर्स एंड प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई वी कॉल्ड कंप्यूटर इज अ स्मार्ट मशीन? अ कंप्यूटर कैन डू मैनी थिंग्स, दिस इज वाई इट इज कॉल्ड अ स्मार्ट मशीन। क्योंकि कंप्यूटर एक वक्त में कई काम कर सकता है, इसलिए हम उसको स्मार्ट मशीन कहते हैं। वेयर इज कंप्यूटर यूज? कंप्यूटर कहाँ इस्तेमाल होता है? कंप्यूटर्स आर बींग यूज
almost everywhere in our daily life, in offices, schools, libraries, banks, airports and markets. कंप्यूटर तकरीबन हमारे पास हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, ऑफिसेज में, स्कूल्स में, लाइब्रेरी में, बैंक में, मार्केट में. फिर हमारे पास MCQs, मल्टी चॉइस क्वेश्चन आते हैं, यानी एक स्टेटमेंट दी होगी जिसमें ब्लैंक होगी, एक वर्ड मिसिंग है, आपने इन दोनों में से जो वर्ड सही है वो लिखना है. अ कंप्यूटर इज अ स्मार्ट डैश मशीन, स्मार्ट और स्लो, हम ऊपर पढ़ चुके हैं, कंप्यूटर इज अ स्मार्ट मशीन, यहां पर हम पढ़ चुके हैं. डैश इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर, डेटा, आंसर इसका डेटा इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर. अ कंप्यूटर स्टोर अ डैश ऑफ इंफॉर्मेशन, लिटिल और लॉट्स, कंप्यूटर में कितना डेटा स्टोर हो सकता है, कम या बहुत ज्यादा, तो अ लॉट ऑफ डेटा, कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा हम, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं. कंप्यूटर्स कैन डू डैश टास्क एट अ टाइम, वन और मैनी, ऑफकोर्स हम यहाँ पढ़ चुके हैं कंप्यूटर कैन डू मैनी टास्क एट द सेम टाइम, कंप्यूटर कैन डू मैनी टास्क एट द सेम टाइम. कंप्यूटर आर यूज इन द स्कूल फॉर एजुकेशन, ट्रू फॉल्स, वी ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द कंप्यूटर, यस हम कंप्यूटर पर पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, ये ट्रू है. कंप्यूटर इज यूज फॉर वॉशिंग क्लॉथ, नो कंप्यूटर कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ये फॉल्स. वी कैन प्ले गेम्स ऑन कंप्यूटर, ट्रू हम कंप्यूटर पर गेम खेल सकते हैं. कंप्यूटर इज यूज फॉर राइटिंग, कंप्यूटर राइटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, बिल्कुल ठीक, ट्रू है ये बात. अ लॉट ऑफ डेटा कैन बी कैप्ट इन अ कंप्यूटर, ट्रू. जज़ाकअल्लाह, ये आपका चैप्टर नंबर 1 था, कंप्यूटर क्लास 3. फी हमारे लिए.